धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में कथावाचक कमल किशोर नागर के द्वारा भागवत कथा का पाठ किया जा रहा है, जहां कथा में सम्मिलित होने प्रदेश के मुखिया डॉक्टर सीएम मोहन यादव इंदौर पहुंचे, जहां वे जम्बूरी हफ्सी में गोवर्धन गौशाला में चल रही भागवत कथा में शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। भागवत कथा में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। सीएम ने संत कमल किशोर नागर का लिया आशीर्वाद। सीएम मोहन यादव ने दी नववर्ष की शुभकामनाएं। इंदौर के जम्बूरी हफ्से स्थित गोवर्धन गौशाला में पंडित कमल किशोर नागर की कथा चल रही है। सोमवार को दोपहर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 बजे यहां पहुंचे। कथा में शामिल होने के बाद वे ग्वालियर के लिए रवाना हुए। इस दौरान एयरपोर्ट पर मंत्री तुलसी सिलावट, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, विधायक रमेश बेंदोला, मालिनी गौर, मधु वर्मा, गोलू शुक्ला और जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने सीएम मोहन यादव का स्वागत किया। मैं माँ देवी अहिल्या की नगरी में आज आया हूँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सबसे पहले मैं विक्रम संवत 2081 पिंगल नाम संवत सर कल से प्रारंभ हो रहा है, पूरे प्रदेशवासियों को देशवासियों को बधाई दूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि विक्रम संवत हमारे अपने मालवा से सम्राट विक्रमादित्य ने 2080 साल पहले प्रारंभ किया था। खास करके आज बदलते दौर में और आनंद जब बढ़ जाता, जब देश के सबसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय हमारे अपने प्रधानमंत्री सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व के नाते से पहचाने वाले माननीय मोदी जी का कल हमारे मध्यप्रदेश की धरती पर फिर शुभागमन होने वाला, बालाघाट में कल उनकी सभा भी है, और जिस प्रकार से माहौल बना हुआ पूरे प्रदेश का, देश का पूरा मोदीमय है, भाजपामय है। तीसरी बार फिर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम और आप मिलकर के मैं मध्यप्रदेश की धरती पर आपके माध्यम से पूरी जनता से अपील करना चाहता हूं कि फिर एक बार मोदी सरकार और मध्यप्रदेश की धरती पर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज मैं कमल किशोर जी नागर जी की कथा में यहां आया था। मेरे साथ हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण मौजूद हैं। हम सब मिलकर याद करें कि पिछली हमारी सरकार ने निर्णय किया था कि प्रदेश में गौशालाएँ और जो अधूरी उनको बनवाई जाए, जो गौशालाएँ उनकी मानदेय 100% बढ़ाया गया है, और खास करके हमारे अपने गोवंश के संरक्षण को लेकर के बहुत सारे प्रयोग भी हमने किए हैं, और जब सरकार की आचार संहिता से बंधन से मुक्ति मिल जाएगी तो जिस प्रकार से हम अनाज को खरीदने में बोनस देते हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये जो दूध उत्पादन होता है उसको भी बढ़ावा दें और इसके बड़े पैमाने पर मध्यप्रदेश में इसकी उत्पादनता भी बढ़े और खपत भी बढ़े। मेरी अपनी ओर से आप सबका स्वागत। कथा में पहुंचे सीएम मोहन यादव ने संत कमल किशोर नागर से आशीर्वाद लिया और साथ ही उन्होंने कहा कि संतों के पास जाने से भगवान मन बदल लेते हैं। परमेश्वर की कृपा से अपना नए साल का कल दिन प्रारंभ हो गया नवरात्रि का, और आज अमावस होते ही अमावस भगवान करे भूत प्रेत सब अपने देश से भागे और आनंद की वर्षा हो, सबका आशीर्वाद मिले। और आज भगवान की दया से हम जीते जी अपनी आंखों से भगवान को भी देख सकते। भगवान ने 5000 साल पहले पृथ्वी पे अवतरण होकर के जब अर्जुन को भी अपना विराट रूप दिखाया तो उन्हें अपनी आंख बदल दी, जिसको कहते ज्ञान चक्षु। तो ये अपने बीच में परमात्मा के ऐसे सीधे सीधे ज्ञान चक्षु बदलने वाले देवता के रूप में हमारे महाराज जी हमारे लिए। दुनिया के निगाह से देखो तो दुनिया में अपने को कभी कोई अच्छा लगेगा ही, हर एक चीज में कोई ना कोई कमी लगेगी, हर एक में कोई परेशानी आएगी। अपने बाल बच्चों में देखो तो उसमें भी अगर कमी देखोगे तो बाल बच्चे भी खराब जाएंगे, और जैसे ही अगर अपने मन बढ़ा करके सृष्टि की सुंदरता देखने लगे, जैसे पारस पत्थर के पास आकर के कोई कितना भी लोहे का हो पीतल का हो तो अपने आप सोने का बन जाता, ऐसे संतों के पास आकर के भगवान अपने आप अपनी पूरी काया बदल देते, पूरा मन बदल देते, वातावरण बदल देते। एमपी न्यूज के साथ चर्चा में सीएम मोहन यादव ने कहा कि नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं, महाराज का आशीर्वाद सदैव सभी पर बना रहे। पंडित कमल किशोर जी महाराज साहब के कथा के समापन के अवसर पर आया था, आपके माध्यम से कल नया साल प्रारंभ होना, सबको शुभकामना भी दी और महाराज जी का आशीर्वाद सदैव बना।
कुल मिलाकर देखा जाए तो धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में कथावाचक कमल किशोर नागर के द्वारा भागवत कथा का पाठ किया जा रहा है, जहां कथा में सम्मिलित होने प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे। यहां वे जम्बूरी हफ्सी में गोवर्धन गौशाला में चल रही भागवत कथा में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।